बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप ये सिंपल से सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर्स बनते हुए देखेंगे और फिर इनको किस तरह से आपस में ज्वाइन करना है एंड में मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले ये ग्रैनी स्क्वायर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ब्राउन कलर की वूल ली है और उस पर एक मैजिक रिंग बनाया है और इस मैजिक रिंग पे सबसे पहले मैं 3 चेन्स बना रही हूँ जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और इसके साथ साथ मैं इस पे 15 और डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैं मैजिक रिंग को टाइट कर रही हूँ ताकि जो हमारा ये इनर सर्कल है ये अच्छे से राउंड हो जाए। और एक दफ़ा से हम दोबारा से इन डबल क्रोशे को काउंट कर लेंगे। जो फर्स्ट 3 चेन्स हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी और ये 16 डबल क्रोशे होने चाहिए। और अभी लास्ट का डबल क्रोशे मैं इसमें बनाऊँगी इस रिंग के अराउंड, इस तरह से। और ये जो शुरू की 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन पे मैं स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। और अब हम इस ग्रैनी स्क्वायर का ये सेकंड राउंड बनाएंगे येलो कलर से। तो येलो कलर को लेके सबसे पहले मैं इस पे एक स्लिप नॉट लगाऊंगी इस तरह से, और इस तरह से बल देके सबसे पहले मैं एक स्टैंडिंग स्टिच बनाऊंगी जो कि एक डबल क्रोशे ही काउंट होगा, एक डबल क्रोशे ही बनेगा इस तरह से एक बल देने से। तो किसी भी जगह से इस फर्स्ट राउंड पे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने इसको एंड किया था, और इस तरह से मैं एक डबल क्रोशे बना लूँगी इधर, और उसके साथ ही इसी जगह पे मैं एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। उसके बाद 2 चेन्स का गैप देके अगेन मैं इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे और बनाऊंगी, जिससे मेरे ये ग्रैनी स्क्वायर का फर्स्ट कॉर्नर जो है वो बन जाएगा। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसे नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। ये देखें बल देके, और आपने उसको एक ही बार में बुन लेना है, इसको हाफ डबल क्रोशे कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने दूसरा कॉर्नर बनाना है, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। तो टोटल हमारे 16 जो हैं वो स्टिचेस इस राउंड में थे। तो इस तरह से हमने 4 कॉर्नर्स बनाने हैं और उन कॉर्नर्स के दरमियान में हमने 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखें, ये लास्ट के 3 हाफ डबल क्रोशे मैं बना रही हूँ इन कॉर्नर्स के दरमियान, और फिर 3rd हाफ डबल क्रोशे के बाद ये जो स्टैंडिंग स्टिच हमने शुरू में बनाया था उसके साथ मैंने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर का सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, और अब हम 3rd इसका जो राउंड है उसको ग्रीन कलर से बनाएंगे। स्लिप नॉट लगा के किसी भी कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे और इसके साथ एक और डबल क्रोशे, 2 चेन्स, और फिर इसी कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियस राउंड में कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह से। और उसके बाद एक चेन का गैप देके नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद फिर एक चेन का गैप देंगे, और अब हम यहाँ से 2
स्टिचेस को स्किप करके एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर वन चेन गैप, स्किप टू स्टिचेस एंड मेक वन डबल क्रोशे। फिर वन चेन गैप और अब हम इस कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। कॉर्नर में हम अगेन उसी तरह से टू डबल क्रोशे, टू चेन और टू डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी पैटर्न को अब हम रिपीट करेंगे दूसरी साइड पे भी। तो सेंटर में, इन कॉर्नर्स के सेंटर में हमारे इस तरह से ये थ्री डबल क्रोशे आने चाहिए वन चेन गैप के साथ। इस तरह से ये देखें, यहाँ पे इस स्टार्ट में हमने इन दो डबल क्रोशे के दरमियान में एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर वन चेन गैप देना है, दो स्टिचेस स्किप करने हैं, वन डबल क्रोशे बनाना है, वन चेन गैप, फिर टू स्टिचेस को स्किप करके वन डबल क्रोशे, वन चेन और अगेन टू स्टिचेस स्किप करके हम कॉर्नर में आ गए। तो यही पैटर्न आपने चारों साइड्स पे रखना है और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इस राउंड के एंड पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वन चेन गैप देके स्टैंडिंग स्टिच के साथ जो स्टार्ट में हमने बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको भी ज्वाइन कर दिया है और इस तरह से ये थर्ड राउंड भी इस ग्रैनी स्क्वायर का कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने ये कुछ ग्रैनी स्क्वायर्स बना लिए हैं और अब मैं फोर्थ राउंड में आपको बताऊंगी कि इनको आपस में किस तरह से ज्वाइन करना है, उनको ज्वाइन करके हम कुशंस बना सकते हैं, टेबल मैट्स बना सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें। तो किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करना है, सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगानी है। मैंने यहाँ पे लाइट येलो कलर लिया है, आप किसी भी अपनी पसंद के कलर से इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से बल दे के सबसे पहले मैं किसी भी कॉर्नर पे एक स्टैंडिंग स्टिच बनाऊंगी और इसी कॉर्नर में एक और डबल क्रोशे बना के इस राउंड को स्टार्ट करूंगी। उसके बाद ये जो टू डबल क्रोशे थे इनके दरमियान में मैं एक डबल क्रोशे बनाया है, उसके बाद जो वन चेन गैप था उसके ऊपर मैंने एक डबल क्रोशे बनाया है। तो इस तरह से आपने जो वन चेन गैप था उसमें भी एक डबल क्रोशे बनाना है और जो डबल क्रोशे था उसके ऊपर आपने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक आपने इन दो कॉर्नर्स के दरमियान नाइन डबल क्रोशे बनाने हैं। कॉर्नर में जो टू डबल क्रोशे बने हुए थे उनके दरमियान में आपने एक डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद ये कॉर्नर में अगेन वही कॉर्नर पैटर्न आपने यूज़ करना है, टू डबल क्रोशे, टू चेन्स और टू डबल क्रोशे। तो ये देखें, कॉर्नर से कॉर्नर तक हमारे बीच में नाइन डबल क्रोशे बने हैं और अब हम थर्ड कॉर्नर तक जाएंगे। इसी तरह से ये देखें, बीच में नाइन डबल क्रोशे बना के अब हम थर्ड कॉर्नर पे आ गए हैं और अब थर्ड कॉर्नर को ही हमने अपने दूसरे ग्रैनी स्क्वायर्स के साथ इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखें, जो टू चेन्स हम बीच में बनाते थे उसके ही हमने एक चेन बनाई है और सेकंड चेन अब हम इसको आपस में ज्वाइन करने के बाद बनाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से ऊपर से आपने हुक को डालना है और नीचे से इसकी जो वूल है उसको ऊपर लेके आके स्लिप स्टिच लगाना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से, और उसके बाद एक चेन आपने दूसरी वाली जो चेन कॉर्नर की थी वो बना लेनी है और फिर इसी कॉर्नर में टू डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो ये एक चेन हमने इस कॉर्नर की जो टू चेन्स दरमियान में थी, एक चेन हमने ज्वाइन करने से पहले बनाई थी, फिर स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन किया और फिर उसके बाद एक चेन बना के टू डबल क्रोशे बना लिए। और अब हमने इस पहले वाले ग्रैनी स्क्वायर के जो टू डबल क्रोशे हैं उनको स्किप करना है और इसके दरमियान में से हुक डाल के
स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमारा ये कॉर्नर जो है, दो कॉर्नर जो हैं आपस में जुड़ गए हैं। उसके बाद अगेन हमने वही पैटर्न रखना है, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं यहाँ पे। एक डबल क्रोशे हमारा डबल क्रोशे के ऊपर बनेगा, दूसरा वाला हमारा वन चेन गैप पे बनेगा और तीसरा इस डबल क्रोशे के ऊपर बनेगा। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशे बन गए हैं। आप जिस ग्रैनी स्क्वायर के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके 3 स्टिचेस हमने स्किप कर देने हैं और उसमें यहाँ पे हमने इसको हुक को डाल के स्लिप स्टिच लगाना है। ये देखें 1, 2, 3 और 3 में के दरमियान में से हमने इस तरह से ये हुक को डाल के स्लिप स्टिच लगा लेना है इस तरह से, नीचे से ऊपर निकालना है और ये। तो इस तरह से ये दूसरी जगह से भी ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना के इसको आपस में ज्वाइन करते जाना है। अगेन देखें ये मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, ये 3rd डबल क्रोशे बन रहा है और उसके बाद इस तरह से इस ग्रैनी स्क्वायर को पहले वाले ग्रैनी स्क्वायर की 3 डबल क्रोशे स्किप करके यहाँ से हमने इसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच के साथ। और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करने का भी देखें आप के हुक को ऊपर से डाल के और वूल को आपने नीचे से ऊपर लेके आना है। ये देखें इस तरह से हुक को डाला और इस तरह से वूल को ऊपर ला के ये स्लिप स्टिच लगा दिया। उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशे बनेंगे। ये फर्स्ट वाला हम डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे, सेकंड डबल क्रोशे हम 1 चेन गैप के ऊपर बनाएंगे, और 3rd वाला डबल क्रोशे हम ये जो कॉर्नर के 2 डबल क्रोशे थे उनके दरमियान में 3rd डबल क्रोशे बनेगा इस तरह से। और अगेन यहाँ से हम दूसरे वाले ग्रैनी स्क्वायर के 3 स्टिचेस स्किप करके ये देखें यहाँ से इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट हो रहा है और एक ग्रैनी स्क्वायर दूसरे ग्रैनी स्क्वायर के साथ ज्वाइन भी हो रहा है। और अब हम कॉर्नर में आ गए हैं, कॉर्नर में वही आपने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और जो 2 चेन्स हैं उसकी 2 चेन्स ही आपने बनानी है। एक चेन बना के आपने पहले उसको ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर आपने सेकेंड चेन बनानी है। ये देखिए 2 डबल क्रोशे बन गए और एक चेन भी बन गई ऐसे। और अब आपने ज्वाइन करते हुए भी कॉर्नर को हमने डायगनल साइड से इस ग्रैनी स्क्वायर को ज्वाइन करना है, बिल्कुल उसके ऊपर वाले ग्रैनी स्क्वायर के साथ नहीं ज्वाइन करना। इसके डायगनल साइड से हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करना है और फिर 1 चेन बना के अगेन 2 डबल क्रोशे इसी कॉर्नर में बनाने हैं। इस तरह से और फिर आपने इस साइड पे भी आपने बिल्कुल उसी तरह से ज्वाइन करना है। बस कॉर्नर्स का आपने ध्यान करना है कि कॉर्नर्स को आपने डायगनली जो है वो आपस में ज्वाइन करना है और बाकी साइड्स को आपने इसी तरह से स्किप करके स्टिचेस को स्किप करके स्लिप स्टिच के साथ आपस में ज्वाइन कर देना है जैसे आपने पहली वाली साइड को ज्वाइन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल से सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने आ चुके होंगे और इनको आपस में ज्वाइन कैसे करना है वो भी आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली कुकिंग और क्रोशिया से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
तो यहाँ पे देखें हम ये लास्ट कॉर्नर बना रहे हैं और इस कॉर्नर को भी आपने बिल्कुल पहले वाले कॉर्नर की तरह से डायगनली जोड़ना है। इस कॉर्नर में नहीं, इस कॉर्नर से जोड़ना है इस तरह से। और ये देखें स्लिप स्टिच के बाद वन चेन बना के ये जो शुरू में हमने स्टैंडिंग स्टिच बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से आप इन ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। सेंटर में आपने डायगनली जोड़ना है, लेकिन जब आप इसके एज बनाना चाहेंगे किनारे पे आपने इसको ये देखें सेंटर में तो आप डायगनली जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एज जहाँ पे आपने बनाना है वहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे ही आपस में ज्वाइन करेंगे। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।